ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अरुण भाई फॉर मोटिवेटिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड जैनिस फॉर ऑलवेज पुशिंग मी फॉरवर्ड इन लाइफ बाय सेइंग टेंशन मत ले यार, हो जाएगा. सो वंस अगेन थैंक यू गाइस. हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई ऑन KMPH. और आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है. वैसे थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम और क्या करने जा रहे हैं. तो देखो, अपन जा रहे हैं KTM, ओके, आज डिलीवरी लेने मेरी न्यू बाइक की. अभी जब तक हम शोरूम पहुँचे तब तक आप एक काम करो, आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी बाइक लेने जा रहा हूँ. ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ मैं अभी कौन सी बाइक चला रहा हूँ. जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनको पता है, जो ये वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब, जिन्होंने अब तक मुझे नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तो तुमको भी पता पड़ जाएगा कि मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ, मैं क्या है, क्या करता हूँ, क्या राइडिंग करता हूँ. ओके, ठीक है, उनको मैं बता लूँ. मैं चलाता हूँ ट्रायम्फ की स्पीड ट्रिपल 1050cc. ओके, 1050cc की बाइक चलाता हूँ पिछले 5 साल से. अभी आप लोग ये सोचो, ओके, कैलकुलेशन कर लो कि ये भाई के पास इतना स्पोर्ट्स बाइक है, पावरफुल बाइक है, तो KTM कौन सी बाइक लेने जा रहा होगा. तो डिसाइड करो, थोड़ा सोचो, अपने घोड़ों को दौड़ाओ और कमेंट में करके मुझे बताओ. चीटिंग मत करना, आगे जाके देखना मत कि मैंने कौन सी बाइक की डिलीवरी ली और फिर वापस आके आप कमेंट करो. दैट इज नॉट डन, डू नॉट चीट, थिंक एंड कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. आज कौन सी बाइक की डिलीवरी लेने हम लोग जा रहे हैं. ओके, तो अभी शोरूम पहुंचते हैं और वहां पे अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे. ओके भाइयों, तो हम लोग पहुंच गए KTM शोरूम. साथ में है मेरे आदि. देखो, ज़्यादा दोस्त नहीं है, ओके, ज़्यादा पूरा ग्रुप जो होता है, ग्रुप साथ में नहीं है और मैं रोड क्रॉस करते हुए देख नहीं रहा हूँ. ओके, तो ज़्यादा ग्रुप नहीं है, अभी सिर्फ दो जनों का वेट किया जा रहा है. एक है अरुण भाई, जिसको आप सब जानते हो, दूसरा है अंकित, जो मेरे बाइक्स के इंश्योरेंस जो है सब फाइल करता है. तो उसने बोला भाई आज मैं भी आता हूँ, ये न्यू बाइक का भी इंश्योरेंस उसी से कराया है. तो मैंने बोला आजा, इसमें क्या है. तो हम 2-3 लोग हैं और आज वीडियो में थोड़ा शेक या आउट ऑफ फोकस या कुछ हो ना तो भैया अंडरस्टैंडिंग करना. आदि जो है वीडियो निकालने वाला कैमरा पकड़ के, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग इतना भी ख़राब नहीं निकालता है. वैसे भी फोटोज़ आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी है, तो काफ़ी सारी फोटोज जो इसी ने निकाली है. और बाय द वे, आप अगर जो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है. तो बस इसका वेट हम करते हैं अरुण भाई इनका, ये लोग आए तब तक आप. अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने कमेंट किया अब तक कि कौन सी बाइक लेने वाला हूँ, या अब तक सोच रहे हो, जल्दी सोचो भाई. अनवीलिंग होने वाली है बाइक की, आपको बताऊंगा कौन सी बाइक है. आपको शायद 99% लोगों को पता ही होगा मैं कौन सी बाइक लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट करो तो आइडिया आ जाएगा कि आप लोग ने क्या सोचा. मेरे को भी आइडिया आ जाएगा, ओके, दैट व्हाट यू थिंक दिस गाय इज गोइंग टू बाय विच बाइक आफ्टर राइडिंग सुपर स्पोर्ट्स बाइक. सो या, जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम. Here we are, let's go inside, just waiting for Arun bhai and all. So we'll continue the vlog inside, okay, once they reach here. So chalo milte hain aapko andar bike ke sath, don't forget to comment, see you guys inside. Chalo main aapko mila lunga, maine apne vlog mein bola tha ki ye hai Ankit bhai, okay, mera sab insurance yehi sambhalte hain. Aur ye aa gaye apne sir Arun bhai, ye rahe, kya haath mein lekar aaye sir. Congratulations sir. Thank you sir. Yaar wo bike ke aage lagaoge na, yaar ye to bachcho wali feeling aa rahi hai. Tension nahi hai isko, बस अपनी फीलिंग आए, हम लोग वापस बच्चे हो गए. दिख रहा है क्लियर केक, क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेट्स, कॉन्ग्रेट्स. आदि द मैन बिहाइंड द कैमरा, तू ले ले, मुंह खोल, मुंह खोल, छोटा छोटा खुल रहा है. Yeah.
चलो भाई एक कोर्स स्टार्ट हो जाए। बस तो इसको जरा कोल्ड स्टार पे रख दिया है और मम्मी बहुत ही पसीना देख रहे हो मेरे सर पे। और ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, ओके दो तीन अपने भाई लोग जो वही आए। बाय द वे आज वीकडे है तो यार सब बिजी होंगे अपने काम में, इसलिए सब लोगों को इकट्ठा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, उनको तो सरप्राइज मिल ही जाएगा जब ये लोग वीडियो देखेंगे। और क्या, अभी इसका थोड़ा सिनेमैटिक्स निकालते, स्लोमो शॉट्स निकालते, चेक इट आउट। फॉर्मेलिटीज अंदर सब हो गया, अभी बाइक लेके निकलते हैं, आपको मिलते हैं चिन माउंट पे गोप्रो पे, ठीक है। और पता नहीं ये वीडियोस आज धुंधले क्यों आ रहे हैं, मैंने साफ किया फिर भी। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग ऑन गोप्रो। ओके क्या चुका है सुन गोप्रो। चलो भाई चलें, चलो आपको फोन कुछ होता है करूँगा कभी भी। विनोद भाई थैंक यू यार, चल विनोद थैंक यू। अभी पहले उधर जा दो रिलायंस। चलो भाई, जो कोई भी न्यू बाइक होती है जब शोरूम से निकलती है तो उसका सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन जो होता है वो होता है पेट्रोल पंप। और अभी तो झटके खा रही है भाई, पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जा। खैर पेट्रोल पंप दूर नहीं, ये रहा और बाजू में शोरूम है। इतना पेट्रोल तो होता ही नहीं, भी होता तो धक्का मार के ले आते यार, ज़्यादा दूर नहीं है, अपन को बिल्कुल शर्म नहीं आती। अपन ऐसे नहीं कि शोरूम वालों की बैंड बजाएं, ना ना ना, ये रेकान देख के चला रहा भाई, किधर नई नई गाड़ी लिए भाई, उद्घाटन करेगा। चलो भाई अपना हक बनता है न्यू गाड़ी पे टैंक फुल टैंक करने का। मेरा कार्ड ही होगा, कार्ड नहीं चलेगा तो गूगल पे चलो डाल दो। फुल मतलब फुल, यहाँ तक मत भर, ओवरफ्लो मत कर देना, फुल समझ गया ना। ओके यहाँ पे प्राइस चल रहा है पेट्रोल का 98 रुपीज़ एंड 52 पैसे, 923 रुपया हुआ टैंक फुल में, और 109 लीटर आया है फ्यूल। हाँ हाँ हाँ, ये टैंक फुल की जो फीलिंग है ना भाई, ये देखो। अरे अभी भी एक कांटा कम बता रहा है, ऐसे कैसे। चलो अरुण भाई सामने अपनी गाड़ी में वेट कर रहे हैं। अब जैसे कि मेरे हर वीडियो में वीडियो का प्रॉब्लम आता है, मतलब वीडियो ऊपर नीचे होता है, क्लियर नहीं होता है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो आई होप ये वाले वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम ना आए यार, नहीं तो सब जाएगा वेस्ट। हाँ हाँ हाँ, ये एक बढ़िया बात है, क्विक शिफ्टर क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं। यस, आराम से लग रहा है। फोर, हाँ हाँ फोर गियर लग गया, आराम आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन क्लच दबा के शिफ्ट डाउन। एक्चुअली बाय डायरेक्शनल है, फिर भी डाउन के टाइम में हमेशा क्लच दबाता ही हूँ जब स्लो हो जाता है तो, वरना जरूरत नहीं पड़ती है। और बाइक नई नई है तो उसको इतना भी भगा नहीं सकते भाई, आराम आराम से इसको रेड लाइन के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन ये भाई चलाने का कंफर्ट, क्या बताऊं आप लोग को। ओहो सबसे बड़े तो इसका हॉर्न चेंज करेंगे भाई, एक बड़े विंडस्क्रीन की जरूरत तो है, कुछ भी बोलो। चेस्ट पे बहुत खतरनाक वाली हवा लग रही है, एकदम ब्लास्ट आ रहा है चेस्ट के ऊपर।
तो सबसे पहले एसेसरीज ऑर्डर करेंगे हम लोग, वो है इसका विंडस्क्रीन। इनफैक्ट कल ऑर्डर करने गया भी था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जो मेरे को चाहिए, जिस ब्रांड का मेरे को चाहिए, उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उनको मेल डाला है, आई होप उस मेल का रिस्पॉन्स जल्दी आ जाए। ये पहुंच गया घर पे, यहाँ पे खड़ी रखते हैं। अरे कहाँ डाल रहा भाई, और देखते हैं जेरोन का रिएक्शन क्या है। और इनफैक्ट अरुण भाई भी इसलिए आ रहे हैं इनका रिएक्शन देखने के लिए कि जेरोन क्या रिएक्ट करता है इस बाइक को देख के। हाय हाय रेंज रोवर, और क्या कलर है, बम्बल बी येलो। ठीक है, इतने गर्मी के बावजूद भी मैं इस हेलमेट को नहीं उतारता हूँ, रहने देता हूँ। ठीक है, ये अरुण भाई भी आ गए। और वंस अगेन आई होप कि वीडियो सब क्लियर आ रहा हो, क्लियर इन द सेंस यू नो सब अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हो सामने। यार अब सेट तो कर दिया मैंने, मैं तो ये भी नहीं देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अरे साड़ी का तो निकाला ही नहीं। या कैफीन, आ जा बेटा आ जा, काम डालें। अरे 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 बेबी, इट्स मी सी डाड़ा बॉट न्यू बाइक, डोंट पिस ऑन इट। दे अरुण भाई, व्हाट हैपेंड, सी डाड़ा बॉट न्यू बाइक, गो पिस ऑन इट, गो डू योर वर्क, सी न्यू बाइक। अरे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, जेरोन हाउ डू लाइक द बाइक नाउ यू आई कैन टेक यू अहमदाबाद। दो महीने में देखना, अभी देखना ना, क्योंकि अक्टूबर में शादी है, 6 किलो कम करूंगा। जरा अभी अहमदाबाद लेके चलूंगा अभी ब्रो, मेरी बाइक पे नहीं, इस बाइक पे कंफर्टेबल। चलो अरुण भाई थैंक यू, मिलता हूँ, मैं आता हूँ राउंड मारने। चलो आप बाहर हाईवे जा रहा हूँ, ठीक है शाम को, ठीक है डन, ओके ओके। चलो अभी जो मैंने GoPro का वीडियो जो सेटिंग है थोड़ा ऊपर कर दिया, तो वीडियो शायद एकदम मस्त आ गया सामने और इसमें भी। और मैंने जानेस को भी बुला दिया है, जानेस इसके ऊपर पाँव रख के फिर बैठते हैं, हाँ बैठ जाओ। चलो भाई जानेस को भी साथ में ले लिया है, थोड़ा उसको भी आइडिया आ जाए कि पिलियन में फीलिंग कैसी आती है, जो मेरी ट्रायम्फ है उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल है या नहीं। ऑफकोर्स कम्फर्टेबल है, ये कोई पूछने वाली या बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जस्ट यू नो ताकि जानेस को आइडिया आ जाए कि दोनों बाइक्स में डिफरेंस कितना है। और यूजली जानेस मेरे साथ वो बाइक पे राइड्स पे नहीं जाती थी क्योंकि वो सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है। इनफैक्ट मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी को भी पिलियन में ले जाने के लिए वो बाइक के ऊपर, क्योंकि मेरे को भी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इसमें नो प्रॉब्लम। तो अभी मेरे को बताइए कि कैसे दिखाई दे रहा है व्यू, डैशबोर्ड और सामने जो रोड है सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं। ओके तो अभी तो इसका सेटिंग किया मैंने, अभी पीछे रुक के घर पे, तो आई होप कि अभी अच्छा आ रहा हो। और घर पे चलने के बाद जानेस को पूछेंगे कि कैसा लगा बाइक, कंफर्ट वाइज और सब बढ़िया है कि नहीं है। खैर सच बताऊँ तो इतने छोटे राइड में कुछ भी आइडिया आने वाला नहीं है, लेकिन एक हिंट आता था कि हाँ सिटिंग कंफर्टेबल है, जंप्स में कैसा है, बम्पर्स के ऊपर कैसा है, जब राइड है स्मूथ है कि नहीं है। मेरे को तो मालूम है, जो पीछे बैठता है ना उसके मुँह से हमको सुनने का है, तो हमको पता पड़े और आप लोगों को भी पता पड़े। अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट क्योंकि जंप्स बहुत हैं यू नो, तो उसका भी एक आइडिया आ जाएगा अपन को। ये रहा फर्स्ट बम्प, चलो काफ़ी बड़ा है, देखते हैं टच करता है कि नहीं। वे तो पिलियन कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, क्रॉस कर गया मक्खन। चलो दूसरा बम्प, ये भी काफ़ी बड़ा है, देखते हैं टच करता है कि नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। और ये तीसरा नंबर, इससे भी बड़ा, टच करता है पिलियन में, नहीं, दिल खुश, कोई टेंशन नहीं, नो डैमेज, नथिंग हैपनिंग। लेकिन फिर भी बैश प्लेट डालेंगे, लेकिन यार अभी एक बाइक का खर्चा किया है तो सब खर्चे एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रायोरिटीज लिस्ट पे। तो पहले अपन विंडस्क्रीन मंगाएंगे विदाउट फेल, वो कुछ भी हो जाए वो अपन सबसे पहले अभी मंगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे खर्चा करते रहेंगे बाइक के ऊपर। अब इसको ऑफ रोडिंग पे भी एक बार टेस्ट करने लेके जाना है, अब देखें कब निकले, कब टाइम मिलता हमको। फिलहाल दिस इज द बम्पर टेस्ट, ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट फिलहाल। सही है भाई सही है, अपन को चलेगा यार, अपन अभी जो बाइक चला रहे उसमें तो कुछ नहीं है, उसके हिसाब से इतना कंफर्ट मेरे लिए तो भगवान है ये बाइक, समझ रहे हो। अपनी बाइक चलाने के बाद ये बाइक चलाऊंगा तो मेरे को ऐसा ही लगेगा, वाह क्या बाइक चला रहा हूँ। चल अपना घर आ रहा है, छोटा सा राउंड लिया,
तो अभी घर पहुंच के ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। छोटा सा ब्लॉग बनाया था यार, वो मैं आपको सब अभी घर पे चल के ऊपर चल के आपको सब समझाता हूँ, ठीक है, और फिर ब्लॉग एंड करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, वीडियो एंड करने से पहले जानिस थोड़ा सा ऐसे बता दो ना, इतने छोटे से आपने राउंड मारा, इसका कैसा लगा कंफर्ट मेरी बाइक के हिसाब से आपको पीछे बैठने में? नहीं, दिस इज मच कंफर्टेबल देन द ट्रायम्फ बाइक एक्चुअली। नॉट ट्रायम्फ का अपना मजा है, बट देन आई फील इसका सिटिंग, हाँ, इसका पर्पस ही कोई और बाइक का। लेकिन देखिए, मेरे को पता है, ओके, मैं पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पीछे बैठे थे ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि कभी अपन को राइड, आप मेरे से राइड पर नहीं जाते थे क्योंकि मेरे पास वो बाइक थी। थोड़ा बाइक्स पे बैठी हूँ मैं, उस पर भी बैठी हूँ, उस पर भी मैंने चक्कर खाई है, तो उस पर ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू स्लाइड अहेड, क्योंकि का सिटिंग पोस्चर ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो ग्रिप था, एक बैक को सपोर्ट भी था, मतलब कंफर्टेबल सिटिंग है, सीधा सिटिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं है, समझ गया। डजंट कम ऑन योर लोअर बैक एंड ऑल, एंड प्लस द जंपर्स एंड ऑल, मतलब थोड़े सॉफ्ट थे, सॉफ्टर देन माय बाइक। हाँ, अब ये तो छोटा चक्कर था, इसमें इतना सारा नहीं पता पड़ेगा, एक बार बड़ा चक्कर जाएंगे अपन, राउंड मारेंगे तो पता पड़ेगा, है ना, है ना। चलो भाई, ये था पिलियन का रिव्यू, लेकिन पिलियन का रिव्यू अच्छी तरह से एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, उसमें निकालेंगे बड़ा सा, ठीक है। अभी इसको अपन, चलो ऊपर चलते और व्लॉग एंड करते हैं। यार, साड़ी का निकालना भूल गया मैं, मेरा ध्यान अभी गया। चलो भाई, तो फाइनली अपनी बाइक आ गई, आई एम सुपर हैप्पी। कितने टाइम से मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था कि कब वो टाइम आएगा और मैं ये बाइक लूँगा। फाइनली आज अपनी बाइक आ गई है और अपन करने वाले मस्त मस्त राइड वीडियोज इसके ऊपर। अभी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि 390 एडवेंचर क्यों, BMW की GS 310 क्यों नहीं, इसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इन दोनों में से मैंने KTM को क्यों चूज़ किया। काफ़ी सारे रीजंस है उसके लिए, अलग वीडियो, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ आज अपना नया बाइक आया उसके ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा पसीना दिख सकता है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, पीछे AC है वो भी ऑन नहीं किया है, ठीक है, फ़ैन ऑफ इसलिए रखा ताकि ज़्यादा विंड का आवाज़ फैन का आवाज़ इसमें ना आए, ओके। और आज जो ब्लॉग काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा नहीं किया था, यार वीकडे पे बाइक ले रहा हूँ, सबको फ़ोन करके स्पेशली बुलाऊँ, वो काम छोड़ के आएंगे, सब काम पे गए होंगे, और दूसरी बात, सबको सरप्राइज़ मिलने वाला, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं बाइक ले रहा हूँ, मैंने जेरोम तक को नहीं बताया, सिर्फ जानिस को पता था, अरुण भाई को पता था और आदि को पता था। यस, सही टाइम पे एंट्री आया, यूँ करता हुआ आदि को भी बताया और किसी को नहीं पता था, और जो भी ये ब्लॉग देखने वाला ना, सबको एक फ़ोन कॉल आने वाले हैं, भाई ले लिया, बताया भी नहीं, यार ये तो चीज़ है, सरप्राइज देने की थी इसलिए नहीं बताया, समझो बात को। चलो बस, तो आज ये छोटा सा व्लॉग डिलीवरी वाला व्लॉग था, ओके, अपने बाइक लिया, सबको बताने का था, सरप्राइज देने का था, आई होप सब सरप्राइज हो गए होंगे, और कैसे चलती है, क्या है, वो सब अपन नेक्स्ट व्लॉग में बनाएंगे, आज के व्लॉग में बस इतना ही, और आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा डिलीवरी वाला व्लॉग, डिलीवरी मेरे को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू, डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू और डिलीवरी मुझसे निकलता है, एनीवेज तो सब करेक्शन के चक्कर में मिस्टेक हो रहा है, तो बस आज ये छोटा ब्लॉग, ओके, और आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अब से न्यू आएंगे फोटोज़, बाइक आ गई न्यू तो फोटोज़ भी आते रहेंगे, इंस्टाग्राम भी अपलोड कर दूंगा मैं ये वीडियो बनाने के बाद, और ये वीडियो शायद शाम तक आ जाए, अभी एडिटिंग करने बैठूंगा तो एडिट हो जाता है तो अपलोड कर देंगे, और फिर देखते हैं कितनों का कॉल आता है, तभी पता पड़ेगा कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है। चलो आज के लिए बस, आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी न्यू बाइक लिए तो उसके ऊपर राइड करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है ना। तो टिल देन यू गाइस टेक केयर, लव यू ऑल, इट्स योर लाइफ, लिव इट राइट, लिव इट योर वे, जस्ट द वे आई एम लिविंग माय वे, या करेक्ट, जाने से स्माइलिंग। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।